हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू क्लैरी कॉन्सेप्ट्स अनलेशिंग कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। आज इस लेक्चर के अंदर हम लोग सेंट्रीफ्यूगल पंप के न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। अगेन एक डिस्क्लेमर, एक आपको सजेशन कि अगर आपने इसके पहले वाला लेक्चर अगर नहीं देखा है जहां पर मैंने इस पंप की जो वेलोसिटी ट्राइंगल्स मेनली आपका इनलेट ट्राइंगल और आउटर ट्राइंगल जो मैंने समझाया था, अगर वो नहीं देखा है पहले वो देख लीजिए, उसके बाद ही यहां पर आइए, अदरवाइज इसमें आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। लेट अस मूव अहेड। The internal and external diameters of the impeller of a centrifugal pump are 200 mm and 400 mm respectively. मतलब क्या दिया हुआ है आपको? आपका centrifugal pump का अगर मैं दो आपका आर्क मार्क करता हूँ तो ये आपका इंटरनल आर्क है, क्योंकि आपका जो ब्लेड है पॉइंट नंबर वन पॉइंट नंबर टू, तो आपका इंटरनल डायमीटर जो रेडियस वन है आर वन, उसका डी वन जो है टोटल डायमीटर, वो कितना दिया हुआ है गिवन डेटा, थोड़ा लिख लेते हैं पहले गिवन डेटा। जो आपका डी वन दिया हुआ है वो दिया हुआ है पहला इंटरनल मतलब 200 mm, तो 200 mm का तो पहले हम लोग मीटर में हमेशा यूज़ करेंगे, तो 0.2 मीटर 1000 से डिवाइड कर लेंगे इसलिए। फिर आउटर डायमीटर D2 क्या हो जाएगा मेरा, इट इज़ 400 mm दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 0.4 मीटर्स। द पंप इज रनिंग एट 1200 RPM, तो इसका जो रोटेशनल स्पीड है N वो कितना है 1200 RPM, N इज 1200 RPM। The vane angles of the impeller at inlet and outlet are given as 20 and 30 degrees. Inlet पर जो आपका vane angle थीटा जो होता है वो 20 degrees दिया हुआ है, और phi जो है आपका जो outlet vane angle वो दिया 30 degrees. The water enters the impeller radially. पानी radially enter हो रहा है, मतलब आपका V1 जो है वो radial direction में है, and velocity of flow is constant. अब देखिए यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, velocity of flow is constant का meaning ये होता है कि जब blade के entrance से लेकर के exit तक वेलोसिटी ऑफ फ्लो कॉन्स्टेंट है, तो यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ फ्लो क्या होता है VF1, यहाँ पर VF2, आप इतना तो कह ही सकते हो कि VF1 और VF2 इक्वल होंगे, इस लाइन का मतलब ये है। डिटरमाइन द वर्क डन बाय द इंपेलर पर यूनिट वेट ऑफ वाटर फ्लोइंग, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये फाइंड करना है। देखिए फाइंड करना है वर्क डन पर यूनिट वेट ऑफ वाटर, ये आपको फाइंड करना है कि भाई पर यूनिट वेट ऑफ वाटर में कितना काम किया है पंप ने पानी के ऊपर। तो अब मैं आपको यहां पर एक क्लू देता हूं कि अगर इसको अगर देखना है, क्योंकि पंप तो कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है, तो हम इसको अगर एक सेकंड में बांट दे कि भाई एक सेकंड में कितना वर्क डन किया पानी ने, टोटल वर्क डन जूल्स के फॉर्म में पर सेकंड, और उस एक सेकंड में कितना वेट ऑफ फ्लूइड डिस्चार्ज कर रहा है, ठीक है, कितना वेट न्यूटन पर सेकंड, तो ये मिल जाएगा कैसे, इसको भी हम पर सेकंड कर लेंगे, वर्क डन पर सेकंड डिवाइडेड बाई ये आपका वेट ऑफ वाटर फ्लोइंग पर सेकंड, ये क्या हो जाएगा वर्क डन पर सेकंड, क्या होता है दिस इज इंपेलर पावर, सिंपल ये हो जाएगा रो क्यू वी डब्ल्यू टू और यू टू, और टोटल वेट ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू द पंप, वेट ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू पंप एवरी सेकंड। देखिए एम डॉट क्या होता है आपका मास ऑफ वाटर फ्लोइंग एवरी सेकंड, उसका वेट में कन्वर्ट कराने का होगा एम डॉट इंटू जी, एम डॉट मेरा क्या होता है रो इंटू क्यू, वॉट इज मास फ्लो रेट, ये हम लोग देख चुके हैं आगे टर्बाइन में, मास फ्लो रेट इज रो इंटू क्यू और कुछ नहीं है, तो ये कैंसिल, अल्टीमेटली बचा क्या, मुझे फाइंड करना है वी डब्ल्यू टू यू टू डिवाइडेड बाई जी का वैल्यू, ये होगा वर्क डन पर यूनिट वेट ऑफ वाटर, ये जो आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा जूल्स पर न्यूटन में, कह सकते हो कि एक न्यूटन पानी के ऊपर टर्बाइन ने इतनी एनर्जी दिया हुआ, इतना जूल्स एनर्जी दिया हुआ है। तो हम लोगों को अगर वी डब्ल्यू टू मिल गया, यू टू मिल गया, तो और जी मिल गया, जी तो पता ही है 9.81, तो खाली वी डब्ल्यू टू और यू टू फाइंड करना, इतना सारा डेटा दिया हुआ है, इतना सारा डेटा ये तो मिल ही जाएगा ना आराम से, देख लेते चलो कैसे मिलेगा, ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया, यू वी डब्ल्यू टू यू टू फाइंड करना है। अब हम क्या करेंगे, इसको यहां पर ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे, वेलोसिटी ट्राइंगल्स, ठीक है, लेट अस ड्रॉ दिस, ओके। तो इनलेट पे क्या होगा, मेरा टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगा, यहां वी आर वन होगा, फिर यू वन मेरा ऐसा होगा, तो यहां पर यू वन होगा और ये आपका वी वन, और बोला हुआ ही है कि वी वन जो है वो रेडियल है। अब यहाँ पे आपका एंगल जो होता है वो अल्फा, ये आपका एंगल होता है थीटा, जो दिया हुआ थीटा इज गिवन टू यू एस 20 डिग्रीज, फिर आउटलेट में आपका वी आर टू, फिर यहाँ से आपका यू टू, और फिर ये बचेगा वी टू, और ये जो एंगल आपका होगा यहाँ पर आपका बीटा, और ये आपका आएगा यहाँ पे फाई, ठीक है, बीटा और यहाँ पर आपका आएगा फाई, जो कि दिया हुआ है फाई आपको 30 डिग्रीज, और ये आपका वी एफ टू और ये वी डब्ल्यू टू, तो ये फाइंड करना है वी डब्ल्यू टू और ये फाइंड करना है यू टू, ये दोनों डिस्टेंस अगर मिल गया ये और ये, तो आपका फिर आंसर सॉल्यूशन आ गया, कैसे निकलेगा देखते हैं। तो पहले तो हम देखते हैं कि भाई मुझे ये जो डिटेल दी रखी है, तो VW2 फाइंड करना है अगर कैसे भी करके, तो VF2 तो मुझे
बोला है कि VF1 और VF2 सेम है, तो अगर मैं VF1 पहले निकाल दूं, VF1 क्या होगा मेरा V1 के बराबर, तो यहाँ पर V1 जो होगा वो VF1 ही होगा, बिकॉज इनलेट पे आपका VW1 जीरो है। तो अगर ये V1 निकाल दूं मैं या VF1 निकाल दूं मैं, तो ये मेरा ये डिस्टेंस मिल जाएगा। अगर ये मिल गया और ये एंगल दिया हुआ है तो ये मुझे मिल जाएगा। तो पहले मैं निकालता हूँ थोड़ा VF1, देखते हैं। तो VF1 क्या होगा, आई कैन से VF1 डिवाइडेड बाई U1 जो रहेगा उसको हम बोलेंगे tan थीटा। तो VF1 इज इक्वल्स टू tan थीटा इंटू U1। अब थीटा तो मुझे पता है कितना दिया हुआ है, 20 डिग्रीज। U1 मुझे पता है क्या, नहीं पता है। हाउ डू आई फाइंड U1 एंड U2, देख लेते हैं। U1 क्या होगा मेरा, कहने से U1 इज इक्वल्स टू पाई D1n by 60। खाली वैल्यूज रख दो यहाँ पे, पाई D1 मेरा क्या है चेक कर लो, D1 मेरा 0.2 मीटर्स, n मेरा 1200 डिवाइडेड बाय 60। जस्ट कैलकुलेट द आंसर, पाई इंटू 0.2 इंटू 1200 डिवाइडेड बाय 60, ये आएगा 12.566 मीटर पर सेकेंड U1। U2 क्या होगा आपका, सिमिलरली पाई D2n बाय 60, दोनों ही फाइंड कर लो ना, आगे काम आने वाला है। D2 मेरा क्या होगा, क्या दिया हुआ है 0.4 दिया हुआ, इसीलिए 0.4 इंटू 1200 आपका n डिवाइड बाय 60, ये आपका ऑलमोस्ट डबल ही आएगा, इससे डबल, ये आएगा 25.13 मीटर पर सेकेंड। U1 और U2 एक बार मिल गए फिर आपका काम बहुत आसान हो गया। कैसे, U1 यहाँ पे लग दो तो आपको VF1 मिल जाएगा, tan थीटा का दिया हुआ 20 डिग्रीज इंटू U1 मेरा है 12.56। आई होप कि आपको पता है कि हम ये फाइंड क्यों कर रहे हैं, हमको VW2 और U2 की वैल्यूज चाहिए। तो ये मेरा 12.566 इंटू tan ऑफ 20 डिग्रीज, ये आंसर आएगा 4.574 मीटर्स पर सेकेंड, ये आपका VF1। तो VF1 अगर ये है तो VF2 भी वही होगा, इक्वल्स टू VF1 इक्वल्स टू 4.574 मीटर पर सेकेंड। यस, अब VF2 मुझे मिल गया, मुझे U2 मिल गया, ठीक है। अब एक और चीज़ कर सकते हैं कि क्या मैं इस डिस्टेंस को क्या कह सकता हूँ, कैन आई से दिस डिस्टेंस इज नथिंग बट U2 माइनस VW2। कैसे, देखिए मैं अगर लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये डिस्टेंस जो है इसको हम कहेंगे, ये पूरा U2 है आपका, यहाँ से यहाँ तक का पूरा U2 है, ठीक है। तो ये कितना होगा डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये आपका होगा, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, U2 माइनस VW2, पूरा मैं से इतना माइनस कर दो ये बच जाएगा। अब इस ट्राइंगल को अगर देखो तो कैन यू से tan ऑफ phi इक्वल्स टू VF2 अपोजिट बाई दिस डिस्टेंस, यस। तो tan phi क्या होगा मेरा, अपोजिट मेरा क्या है VF2 डिवाइड बाई डिस्टेंस कितना है एडजस्टेंट वाला, U2 माइनस VW2, यस, U2 माइनस VW2, बस तो हो गया काम खत्म। tan phi इज 30 डिग्रीज, VF2 मेरा कितना है VF1 के बराबर है, क्या वैल्यू है 4.574 डिवाइडेड बाई U2 क्या दिया हुआ मुझे 25.13, ये रहा। तो 25.13 माइनस VW2 मुझे पता नहीं है, मिल जाएगा VW2 की वैल्यू यहाँ से आराम से, कैसे इसको मैं यहाँ ले लूँ पहले, तो 25.13 माइनस VW2 इज इक्वल्स टू 4.574 डिवाइडेड बाई 10 ऑफ 30, ये वैल्यू जो आएगी इसको मैं फिर VW2 यहाँ पे लेके इसको माइनस करा दूंगा इसमें से, तो ये क्या आएगा डिवाइडेड बाई 10 30, ठीक है। और 25.13 माइनस दैट वैल्यू, तो VW2 मुझे मिला है 17.2 मीटर पर सेकेंड, बस अब मेरा काम हो गया ख़त्म। कैसे, वर्क डन पर यूनिट वेट ऑफ वाटर जो फॉर्मूला निकला था वो क्या निकला था पहली स्लाइड में, VW2 U2 by G, लिख दो VW2 U2 divided by G, VW2 U2 divided by G, VW2 क्या है मेरा 17.2, U2 मेरा क्या है U2 25.13, G क्या है 9.81। ये आपका आता है 44.08 जूल्स पर न्यूटन,
इसका मीनिंग ये हुआ कि ये जो पंप आपको दिया हुआ है वो 44 जूल जितनी एनर्जी सप्लाई करता है एक यूनिट पानी को। लेट मी चेक द आंसर whether it is correct or not. Yes, 44.0 is a perfect answer. So ऐसे ही न्यूमेरिकल सॉल्व करना है आपको एग्जाम्स में भी। आई होप कि आपको समझ में आया है। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।